नमस्कार दोस्तों, ब्यूटी इंडिया यूट्यूब चैनल में वापस आता है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और कमेंट करके 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करना। अगर आपको जिस तरीके का आपको वीडियो का कॉन्टेंट लगता है, जिस तरीके आपको लगता है कि नॉलेज यूजफुल है आपके लिए नहीं है, वीडियो शुरू करने से मैं एक चीज बता रहा हूँ कि ये वीडियो अगर आप देखोगे ना, बाकी चीजें आप भूल जाओगे। और सब चीज से अच्छी बात एक चीज बताऊँ कि आप जो धोखाधड़ी जो आपके साथ हो रही है या फिर जो ब्रेन वॉश जिस तरीके से कर रहे हैं ना, बार बार जो चीजें आपको दिख रही है, आपको लगता है भाई ये सच हो रही है या सच है, तो उस चीज से आप बच सकते हैं। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस का अगर इस्तेमाल करेंगे, और जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ आजकल या फिर जो पिछले टाइम से मैं काफी टाइम से ऐसी टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, अगर वो सारी वीडियो देख लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम से आपसे ऑब्जर्व किया होगा, सर 1 साल से ज्यादा मैं किसी भी शॉप का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। प्लस ये जो जो बहुत सस्ते वाली जो साड़ियाँ या अदर आइटम जो लोग को दिखाते हैं, वो उनका क्या चक्कर है, वो क्या है और ये रियलिटी है नहीं है, या कितने लोग हैं जो चीजें सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सूरत में जिस तरीके का आज का माहौल बहुत डरावना हो गया है, और अभी दीपावली का माहौल है, दीपावली के बाद और भी फेस्टिवल आने वाले हैं, शादी ब्याह वगैरह भी आने वाले हैं, तो ये सब चलने वाले हैं, तो लोगों की खरीदारी भी बढ़ेगी। खरीदारी के साथ साथ अभी क्या है, ऑन द स्पॉट लोग ना बनाते हैं, माइंड सेट करते हैं भाई हाँ मैंने ये वीडियो देख लिया या फिर मैंने ये सप्लायर्स के बारे में सुना है तो मैं कर लेता हूँ। तो इस तरीके की चीजों से आप बचने आएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे। और मेरे चैनल पर अगर जो नए बंदे आए हैं, जो नए व्यूअर हैं, उनको मैं बोलता हूँ मेरे जो भी एडवांस प्लेलिस्ट है, या फिर मैं जो मैं शॉप का वीडियो का आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो शॉप के लिए मैंने जैसे वीडियो बनाया भाई कलेक्शन वगैरह दिखाया उसका छोड़ के, बाकी मैंने जो नॉलेज वाली चीजें आपको बताई ना वो जरूर देख लें। आपके मैं 100% बोल रहा हूँ कि आप जितना टाइम दोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आपको वैल्यू मिलने वाला है उसके अंदर। इतना अच्छा कंटेंट मैंने करके दिया उसके अंदर, और मेरे जो रिसर्च है, मेरे जो नॉलेज है, मैंने जो सीखा है, आज तक सीखा है, वो सारी चीजें उसमें बता दी। इवन जो और भी व्यापारी का एक्सपीरियंस है ना, उसके हिसाब से उन्होंने जो लर्निंग्स किए, उन्होंने उनके साथ जो चीजें हुई है वो भी मैंने उसके अंदर कवर करी है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि भाई 50 रुपए की साड़ी, 100 रुपए की साड़ी, 80 रुपए की साड़ी, या फिर जो भी 100 150 रुपए की, 25 रुपए, पता ना क्या क्या लोग बोलते हैं, अगर वो ट्रेंड चल गया। और लोग ऐसा है कि आंख बंद के बिलीव भी कर रहे हैं, जो जिनके साथ एक बार धोखा हो गया, या जिनके साथ जो धोखाधड़ी का ऐसा मामला हो गया, या फिर जो अवेयरनेस जग गई है, जैसे मेरा वीडियो बना रहा हूँ बार बार अवेयरनेस फैला रहा हूँ मैं लोग के, इवन मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया के अंदर ही एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो टेक्सटाइल के अंदर ऐसी चीजें बता रहा है, खुलेआम चीजों को, गड़ला लोगों को गाइड कर रहा है, खुलेआम चीजों को बता रहा है, और लोग फिर भी समझने के बाद भी वो धोखाधड़ी में फंस जाते हैं। उसके रीजन है कि वो या तो इन चीजों में बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो सामने वाला तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं दे दूंगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, मैं हर चीजें अगर वो बोल रहा है, और ये बंदा बार बार ये जो चीजें कर रहा है, क्योंकि ऐसे चीजें बोलने वाले कम से कम वहां पे 100 चैनल हैं, जो 100 वीडियोस या 100 बंदे हैं जो इस तरह की वीडियो बना रहे हैं कि भाई बहुत सस्ता बहुत सस्ता बहुत सस्ता, और एक कोई बंदा अगर ऐसे वीडियो बना रहा है कि भाई नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, तो लोगों को जल्दी अवेयरनेस नहीं आती और समझ में नहीं आता है। और मैं बार बार वीडियो बनाने का मतलब मेरा क्या है कि लोगों को जब आप कोई चीजें बार बार सुनाओगे बार बार सुनाओगे, तो उनको समझ में आने लगता है, उनको थोड़ा बिलीव होने लगता है कि हाँ भाई ये चीज पॉसिबल है। इसलिए मैं सब चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि जितना अवेयरनेस मैं फैलाऊंगा उतना ही लोग बचेंगे, उतना ही सही ट्रैक पे जाएंगे, और जिस तरीके से लोगों का इंटेंशन है व्यापार करने का वो व्यापार कर पाएंगे। तो मैं एक चीज आपको सिंपल सा मैं आपकी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, एक बात बताओ कि अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जो आप फ्रॉड का काम करते हैं, आपको एक सीसी बंदे को फंसाना है, तो आप क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे? एक एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूँ, आप ऐसे व्यापारी हैं जो अपना धंधा होलसेल का धंधा एक फ्रॉड के तौर पर चलाना चाहते हैं कि आपके पास कोई बंदा आए उसको ललचाए कोई भी तरीका से, मतलब आप क्वालिटी के हिसाब से ललचा सकते हैं, आप क्वांटिटी के हिसाब से ललचा सकते हैं, आप क्वालिटी के हिसाब से ललचा सकते हैं, आप क्वांटिटी के हिसाब से ललचा सकते हैं, या फिर आप अपनों रेट के हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको कौन सा बेस्ट लगता है, और आपको लगता है कि कौन सी चीज में जल्दी आदमी चंगुल में फंस के आएगा? तो एक सिंपल सा माइंडसेट की मैं बता रहा हूँ कि देखो क्वालिटी आपका कोई देखने नहीं बैठा। अगर आप चिल्ला के बोलोगे भाई मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेट थोड़ा ज्यादा है, कोई बंदा आपके पास नहीं आने वाला। अगर आप बोलोगे भाई मैं आपको एक सेट भी दे दूंगा, वो सेट भी दे दूंगा, तो लोगों को फिर भी थोड़ा डाउट होता है भाई एक एक सेट दे रहा है तो मैन्युफैक्चर क्या होगा, ये होगा, चलो ठीक है ये भी छोड़ दे। अब एक हथियार बचता है लोगों के पास कि भाई मैं रेट ही इतना कम बता देता हूँ कि वो कहीं पे भी जाए ना उसको वो चीज दिख ही नहीं पाए, क्योंकि चलो मेरे पास नहीं आएगा वो बाकी जगह भी जाएगा, जहाँ पे आप अपने नियर बाय जाए या दूसरी मार्केट्स में जाए या दूसरी शॉप्स पे जाए, अगर उसको वहां पे लगेगा कि यार मैं वहां पे गया हकीकत में और वहां पे तो कुछ ऐसा था नहीं, तो वो वापस लौट के मेरे पास आएगा, लोगों का माइंडसेट रहता है ना, तो वही चीज लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। दूसरा लोग क्या क्लिक करने लग गए भाई, अब सीओडी फैसिलिटी का। अब सीओडी फैसिलिटी का आपको कॉन्सेप्ट पता है क्या है? देखिए सीओडी में पहले तो 20 या 25% आपसे एडवांस ले लिया जाता है, एडवांस इसलिए ले लिया जाता है कि भाई अगर आपने माल वहां रिसीव नहीं किया तो आपका माल रिटर्न आने तक का पैसा कोरियर कंपनी को तो देना है ना, वो अपनी जेब से नहीं भरेगा, तो मतलब अगर आपने माल रिटर्न भी किया तो आपके पैसा वो भी गए, जो आपने जो जो चार्जेस पे किए थे ना वो भी गए।
और वो कोरियर कंपनी जब कोई कोरियर कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी करती है ना, तो उसके चार्जेस भी इतने हाई होते हैं। जब आप यहाँ पे 1-1 रुपए बचाने की बात करते हैं ना, जब जो अच्छे मैन्युफैक्चरर से भी आप लोगे ना, आप अच्छे होलसेलर से भी आप लोगे ना, वो 1-1 रुपए तक की बात करता है कि मैं नहीं 1% नहीं कर सकता, मैं 2 रुपए नहीं कम नहीं कर सकता, आप 10-20 रुपए कम नहीं कर सकता। और आप बात कर रहे हैं कि एक पार्सल के ऊपर, मतलब एक साड़ी के ऊपर आपका 20-25 रुपए बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए 20-25 रुपए, मतलब समझ रहे हो आप, अगर 200 रुपए की साड़ी है तो आपका 10% मार्जिन बढ़ेगा सीओडी की वजह से। सीओडी चार्जेस मतलब इतने हाई है। और दूसरी बात, जो सीओडी जो जहां पे जो बंदा जाता है आपको डिलीवरी देने जाता है, उसका कोई लेना देना नहीं आता आपके, आपके माल क्या निकला, आपको माल पकड़ाएगा, अपना पैसा लेगा, उसको वहां पैसा कंपनी जमा करना है, उसके बीच में उनको कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप सोचो, जिन लोगों के पास ऑलरेडी, सपोज किसी ने फ्रॉड कर दिया, सपोज मान लो आप हैं, ये सपोज मैं हूं, अगर मैं हूं और मैंने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, सपोज मैंने आपने मेरे से माल मंगाया और आपने बोला भाई मैं पैसे डाल देता हूँ, मैंने बेच दिया आपको 50,000 रुपये का माल और मैंने कटाफटा सब बेच दिया। अब मुझे पता है कि मैंने ये सब की कांड किया हुआ, और आपने अगर अगली बार क्या हुआ, दूसरे कोई नंबर से या दूसरे नाम से मुझे फिर ऑर्डर कर दिया सीओडी पे, और सीओडी आपने 20% दे दिया, आप वहां पे जाके सारा माल छुड़ा लोगे सपोज उस डिलीवरी बॉय से, तो आपको लगता है कि डिलीवरी बॉय वो बंदे का नुकसान हो जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब यहां से माल हैंडओवर हो जाएगा कोई भी सप्लायर से डिलीवरी बंदे के हाथ में, तो डिलीवरी वाले की रिस्पांसिबिलिटी होता है, और डिलीवरी वाले का कोई लेना देना नहीं रह जाता, उसमें क्या है आपके साथ पिछली बार में क्या हुआ, उसको ही लेना देना ले देता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज बहुत प्री प्लान रहती है, सब चीज आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा है कि एक और सबसे बड़ा है जो लोकल सिस्टम रहता है कि भाई सपोज कोई 1,000 रुपए की साड़ी है, 500 रुपए की साड़ी है, 400 500 की देंगे, वो इतना रेट कम दिखा देंगे, इतना रेट कम दिखा देंगे आप सोच ही नहीं पाएंगे, बोलेंगे यार मैंने तो इतना देखा ही नहीं है। प्लस ये इतना जो रेट कम बताने और दिखाने का रीजन भी पता क्या है, आप वहां पे एक बार तो क्लिक करोगे करोगे, मतलब एक बार तो वहां जाओगे जाओगे, एक बार विजिट करोगे करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, और फिर आपको इतने लुहावने और इतने अच्छे रेट्स बताए जाएंगे ना, आप मतलब रोक ही नहीं पाएंगे आपको परचेज करने से। और आपने परचेज कर लिया, उसके बाद फिर आपको अगर वहां से जाके आपको भाई डिलीवरी बोल देंगे मिल जाएगा, अगर डिलीवरी के बाद जब खोलोगे माल पता लगे उसमें कटाफटा निकला, इसमें किसी में कुछ आइटम नहीं निकला, या फिर ऐसा रद्दी माल भेज दिया जो आपने कभी देखा ही नहीं है, मतलब आप जहां सैंपल देख के आए थे वहां पे वो आप लोगों को देखा ही नहीं था कभी, इस तरीके की चीजें होती। इस तरीके से बचने के लिए आपको क्या करना, वो थोड़ा सा माइंडसेट आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। पहली बात तो अगर आप कहीं भी जाए, आप YouTube वीडियो सपोज आपने बोला कि यार आप तो झूठ बोलते हो, सपोज कि मैं तो YouTube वाले जो मैन्युफैक्चरर बताते हैं मैं उनके पास जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ चलो ठीक है जाओ, आप कम से कम उसमें से 5-7 जगह घूमो, किसी से परचेस मत हो, खाली घूमो, ठीक है। घूमने के बाद फिर अगर उसमें जो 50-100 रुपए पे साड़ी वाला है, या तो वो पता है क्या करेगा, या आप जाओगे तो वहां मना कर देगा कि वो स्टॉक खत्म हो गया, जो पहले इस वीडियो में था उस टाइम पे अगर ले लेते तो हो जाता, अब नहीं है सर, अब तो ये रेंज है, तो आदमी का माइंडसेट वाला चलो ठीक है ये भी सही लग रहा है क्योंकि मार्केट में तो वही रेट चल रहा है, चलो मैं ले लेता हूँ। दूसरा है वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि जो एकदम ही महाफ्रॉड होगा तो वो क्या करे, ये भी एक तरीके का फ्रॉड है कि आपको ललचाया, आपको बुलाया अपनी दुकान पर, बाद में मना कर दिया कि स्टॉक आउट किया, ठीक है, ये भी फ्रॉड है। दूसरा है कि आपको बोलेगा कि भाई हमारा जो पैकिंग है गोदाम से होता है, माल आप गोदाम से पैक हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ये। और जब आपको इस तरह की चीजें लगे ना कि भाई रेट एकदम अनबिलीवेबल है, मतलब इस पे बिलीव नहीं कर सकते, इतना सस्ता दे रहा है, दुनिया से सस्ता दे रहा है, और उसके बाद बोल रहा है मार्केट वो माल मेरा बाद में पैक होकर मिल जाएगा आपको, तो समझ लो वहां से हट जाओ। अगर आपको उसको पहचाना है ना, आपको लग रहा है कि भाई इसको मेरे को जांचना परखना है, तो बस उसको बोल दो ऐसा है कि ये वाला माल जो आपका सैंपल्स है मेरे को इसी में से दे दो, आप ऐसा है तो गोदाम से मांग के अपने सैंपल लेने डालो, या फिर सेम माल वहां से गोदाम से यही वाला मैं यही बैठा हूँ यही पैसा देता हूँ आपको गिन के, वो सेम माल मेरे सामने मेरे को दे दो, मैं आप अपने हाथों हाथों ले जाता हूँ, मैं 100% बोलता हूँ वो देगा नहीं, इस तरीके के, क्योंकि ये बहुत कॉमन फ्रॉड हो गए और लोगों को लगता है कि ठीक है यार इतना माल में कहाँ लेके जाऊंगा, अगर बहुत सारे लोग दूर से भी आते हैं तो बोलते हैं भाई इतना माल में कहाँ लेके जाऊंगा और कहाँ कैसे इतना थोड़ी हैंडल कर सकता हूँ, तो ट्रांसपोर्ट में डाल देगा ठीक है मैं हेडक क्या पालूंगा, तो इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा है कि कहीं पे भी ना इतना बड़ा वो नहीं है, लूप होल नहीं है, इतना बड़ा कोई मार्जिन नहीं है कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई आप दुनिया के आप पहले इंसान हो जहाँ को आपको यूट्यूब वीडियो का पता लगा, या फिर आप ऐसे सप्लायर का पता लगा जो एकदम से चमत्कार कर रहा है और आपके यहाँ पे जाके चमत्कार हो जाएगा और आप दए दना दन पैसा छापोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दुनिया को दुनिया अभी आजकल अभी कम से कम सोचो जो एक वीडियो के अंदर जब हमें हजारों में व्यू आ जाते हैं, करोड़ों में व्यू आ जाते हैं, तो क्या वो आप अकेले थे क्या, बाकी लोग नहीं थे क्या, वो ऐसे ही होता है, आपके ही सिटी के इतने सारे लोग देख रहे होंगे उसको, ये सबसे बड़े सिस्टम, तो ये सब चीजों में नहीं फंसना है। और एक और चीज, एक न एक तरीके का फ्रॉड मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर हम उधार में माल दे देंगे, आधा पैसा आप दे दिए, आधा पैसा आप माल पहुंचने के बाद दे दीजिए। मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ कि वो ऐसा होगा ही नहीं,
एक चीज बताओ कि आप कौन है, मतलब आप कहाँ से आए, वीडियो देखा आपने, एक वीडियो स्प्रेड हुआ आपके कैसे भी पहुंचा आपके पास, आपने वीडियो देखा, वीडियो देख के आप आ गए, और आपको कोई ऐसा बंदा जो आपको कभी जानता नहीं है, और आप बोलो आप खुद फ्रॉड के इरादे से आए, मतलब मैं समझता हूँ फ्रॉड के इरादे से आए, और आपने उसको आधा पैसा दे दिया और आप पूरा माल भेज देगा, और फिर बाद में आप पे वो बिलीव करेगा। अरे पुराने एड़ी घिस जाती है पुराने व्यापारियों की, व्यापार करते करते जल्दी से क्रेडिट नहीं मिलता है, जैसे उधारी नहीं मिलती है, और आप तो है ही कौन, जिनके पास ऑलरेडी काम चल रहा है, उनको व्यापारी बाहर उनकी दुकान पे विजिट कर चुका है, उनका काम काज देख चुका है ना, उनको भी जल्दी से नहीं मिलता है। मैं जो मेंबरशिप का सब काम कर रहा हूँ, इतने टाइम में मैन्युफैक्चर से, रियल मैन्युफैक्चर से हम काम कर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं आज तक उनको क्रेडिट मिला है, मेरे को मतलब 3 साल होने वाला है मेंबरशिप चालू किए हुए। तो ऐसा नहीं है, और बंदे ऐसा नहीं है कि भाई छोटे मोटे होलसेलर भी है अपने पास, भाई अपने जो ग्रुप में होलसेलर भी है, अच्छे रिटेलर भी, जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, आज तक उनको क्रेडिट नहीं मिला। आप तो छोड़ ही दो कि आपने एक दिन में आया, और उसके बीच में चलो हम लोग भी है कि भाई चलो एक ग्रुप भी है, V2C इंडिया ग्रुप कोई बना रखा है, जो एक इतने सारे लोग हैं उसके पास, इतने से लोग मेंबर जुड़े हुए हैं, तब भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता है। तो ये सब लोभनीय बन गया है, क्योंकि कम से कम आप ऑर्डर तो देकर जाओगे ना। मान लो आपने 1 लाख का माल सिलेक्ट किया, आप 50,000 देंगे, 50,000 देके आप चले गए अपने घर पे, तो उनको पता है कि 50,000 में आएगा मेरे पास में, अब उसमें से भेज देगा 50,000 का माल, कुछ भी नहीं है तो उसमें क्या भेजना है उसको पता है। इस तरह फ्रॉड है। बहुत सारे लोग जैसे आप देखे होंगे भाई माल उल्टा सीधा भेज देते हैं, आधा माल कुछ भेज दिया, आधा माल कुछ नहीं भेजा, वो सब बोल, फिर बाद में आपको सुनने को मिलता होगा भाई साहब गलती होगी, गलती से हमारे बंदे से गलती होगी सर, मैं सुधार दूंगा, ये कर दूंगा, एक काम करो आप माल भेज दो, चेंज कर दो। आप एक चीज सोचो, आधा माल भेजना और उसमें से भी कब कि आपके घर पहुंच जाए, उसका आने जाने का खर्चा, दोबारा वहां से भेजेगा उसका फिर खर्चा आएगा, और ये जानबूझ के गलती करी हुई किसी बंदे की, और आप भुगत हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये सब चीज प्लान रहते हैं, या तो आप एक चीज, या तो आप बोलते ना कहावत है लालच बुरी वाला, तो वो ऐसे नहीं है, वो बहुत मतलब लोगों ने एक्सपीरियंस करी है, बार बार एक्सपीरियंस करी है, उसके बाद लोगों ने थॉट बोलेंगे भाई इस तरह लालच बुरी वाला है। तो आप पहले तो एक रियलिटी में उतर के देखो ना, आप एक कहीं भी शॉप पे जाओ, जेन्युइन शॉप जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपको ये चीजें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। आप, मैं एक मोटा मोटा आपको हिसाब बताता हूँ, पहले तो मैं आपको बता सका था, एक साड़ी बनाने जाएंगे ना, एक रेनियल साड़ी भी बनाने जाएंगे ना, मैं सिंपल सा बता दूं आप, अगर एक प्रोसेस करें, पहले तो ग्रे की बात करें, ग्रे के भी उसका जो रेट आएगा ना, कम से कम आपको अगर 9-10 रुपए से कम से उसका ग्रे नहीं आता है, और इवन ज्यादा आता है अच्छा माल लेंगे तो, आप ग्रे भी लॉट में ले लोगे ना, तब भी जाके इतना का लगभग 7-8 रुपए के अंदर ग्रे का माल मिलेगा उसको, ठीक है। चलो उसको कोई प्रोसेस भी करवाए, उसका कोई शॉर्टेज होता है, जैसे ग्रे जितना 100 मीटर आप देंगे ना, उसमें से शॉर्टेज गिनते हैं, कोई 10% से लगा के 20% के अंदर आता है। अगर अच्छी क्वालिटी की साड़ी बनाएंगे ना एकदम, जो बाद में श्रिंक ना हो, कुछ फटे नहीं, खिंचे नहीं, जैसे धागा निकल जाता वो सब आइटम ना हो, तो उसमें 20% श्रिंकेज गिना जाता है, मतलब वो सुकुड़ जाती है उतनी साड़ी, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के वो चीज गिना है, तो समझ लो कि आपने 100 मीटर 80 तो ये निकला, फिर बाद में जो प्रिंट होता है तो थोड़ा कटिंग वटिंग होता है, चलो बाल बाल भी निकले रहते हैं साथ में, देखे होंगे एंड जो ओपन रहते हैं, या फिर थोड़ा प्रिंटिंग थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, कुछ फिनिशिंग में जो बीच में जो एक प्रिंट के बाद दूसरा प्रिंट जब चालू होता है बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ता है वो, इस तरीके की चीजें, ये हो गया, प्लस उसका प्रिंटिंग का कॉस्ट होगा। प्रिंटिंग का कॉस्ट आज के टाइम में बता रहा हूँ 7-8 रुपए से लगा के 10 रुपए तक होता है, मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके की क्वांटिटी है आपको उस तरीके डिपेंड करता है। मतलब चलो आप बहुत अच्छे बंदे हैं तो 8-8 रुपए का भी एक कॉस्टिंग आएगा मोटा मोटा, फिर उसका पैकेजिंग हो गया, प्लस जो बंदा काम कर रहा है उसके अंदर उसका मतलब वो भी तो अपना मुनाफा ऐड करेगा ना, उसके बाद फिर उसमें बाकी एड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक पार्सल पैक करेगा तो ट्रांसपोर्टर पहुंचाने का वो पैसा होगा, आप आएंगे तो आपके चाय पानी का पैसा हो जाएगा। जब इतने सारे चीजें एड ऑन हो जाएंगी और आपको लगता है कि 150 रुपए में साड़ी मिल जाएगी, और लोग तो खैर बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक में, तो रेनियल जस्ट रेनियल उसकी बात कर रहा हूँ, लोग तो उसको बहुत अच्छे अच्छे फैब्रिक्स में भी वो साड़ी दिखा देते हैं, तो ये टोटली मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, ब्रेन वॉश है आप लोगों का उसका। आप एक चीज सोच रहे हो, मैं कम से कम साल भर से ज्यादा किसी का वीडियो नहीं बना रहा। देखो मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ, मैं जहां तक मैंने किया है ना, मैंने मेरे को 4 साल से ज्यादा, लगभग 4 साल लग मेरे को हो गए यूट्यूब पे काम करते, और ज्यादा ही हो गए, ठीक है। मैंने एक चीज समझ लिया, जब स्टार्टिंग में मैंने जब किया ना, मैंने लोगों को नॉलेज दिया, सही गाइडेंस दिया, सब दिया, मैं जब मैं बीच में वीडियो बनाया ना मैंने, तो मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं था कि ये चीजें बिहाइंड द सीन क्या होता है। जब मैं वीडियो बनाया, जब वहां पे मैंने चीजें देखा ना बिहाइंड द सीन कैसा हो रहा है, और वहां पे लोग कैसे आ रहे हैं, लोग के जो क्वेरीज है वहां पर ऑन द स्पॉट, जब लोगों को लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा, फिर लोगों के दूसरे कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में तो इवन बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, लोग मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग जो अदर यूट्यूबर्स हैं या अदर शॉप्स वाले जो हैं, उनका जो मैंने देखा उसमें कमेंट सेक्शन में, जब जब एक कोई वर्ड पढ़ने को मिलता है ना कि सर मैं आपकी वजह से बर्बाद हो गया, वो अगर कोई अच्छा बंदा होगा ना तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये है, देखो पैसा तो सबको कमाना है, आपको कमाना है, मेरे को कमाना है, पैसा कमाने का तरीका है, या तो आप सही तरीके से पैसा कमा लो, या फिर चोरी छुपे वैसे का पैसा कमा लो। मैं यहाँ पे पेड मेंबरशिप जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बार बार पेड मेंबरशिप क्यों बोलता हूँ बताए, पेड मेंबरशिप ना एक ऐसी चीज है जो आपको स्टार्टिंग में फ्रॉड होने से बचने की, मतलब बर्बाद होने से बचा सकती है।
इस तरह की चीज है। आप 1 लाख रुपए का ट्रायल ले सकते हैं, 50,000 का ट्रायल ले सकते हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि आप, ऐसा नहीं है वो पैसा में डेफिनेटली मेरे को जाने वाला है, लेकिन मैं उस तरीके की चीज गाइड करूंगा। उस तरीके की चीज है, अभी जो हमारी मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग हम लोग करते हैं, उसमें जो ये डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होते हैं, हमारे जो ग्रुप में लोग हैं, अब उनका क्या है, वो आप खुद पूछेंगे ना, भाई भाई मैं उससे माल ले लूं कि नहीं ले लूं, उससे वो फ्रॉड है कि नहीं, या उससे कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। लोग आपको तुरंत ग्रुप में ये सब चीजें बता देंगे कि भाई नहीं सर उससे मत लो, वो ऐसा बंदा है, उसने ऐसा मेरे साथ किया, ऐसा ऐसा है, क्योंकि आप जैसे ही लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, मतलब जो यूट्यूब हुए है, इंस्टाग्राम से जो लोग आए हुए हैं, या फिर जो ऑफलाइन जो लोग बाय करके, उनके जो एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, रेट वाइज क्वालिटी वाइज फ्रॉड जो उनके साथ हुआ, उस तरीके के लोग जुड़े हुए, तो वो एक एक्सपीरियंस है ना, आप एक थाली में मिल जाएगा, मतलब एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा एक तरीके से, समझ लो। ठीक है, जो मैंने रिसर्च किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, मैन्युफैक्चरर्स का जो डिटेल है वो आपको डेटा मिल जाएगा, मेरा गाइडेंस भी मिल जाएगा, मेरे से कॉल पे बात भी कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा क्वेरी है जो मेरे क्वेश्चन आंसर्स में और उसमें कवर नहीं हुए, तो आप टाइम फिक्स करके मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ये ग्रुप चलता ही जा रहा है, बाकी जो क्वेरी है लोग अपना एक्सपीरियंस कहीं पे भी जाते हैं कि अगर वो शेयर भी करते हैं कि भाई वहां पे गए तो मुझे ये चीज सही लगी, ये चीज सही नहीं लगी, तो उस चीज से लोग अवेयर होते हैं। अगर मैं किसी सिटी के अंदर नहीं जाता, अगर मेरे ग्रुप में से ग्रुप मेंबर अगर जयपुर के हैं, अगर मुझे जयपुर की इंक्वायरी निकालनी है तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सर थोड़ा सा आप देख लीजिए ना, तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर मैं किसी सिटी के अंदर जा रहा हूँ तो वहां से लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर, मैं कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे मैं ही लोगों को सिखा रहा हूँ, लोग मेरे को भी सिखा रहे हैं, मैं जो ग्रुप मेंबर है, मैं ऐसा नहीं, देखो हर फील्ड में मैं मास्टर नहीं हो सकता, हर फील्ड में आप भी मास्टर नहीं हो सकते, आप किसी एक चीज में मास्टर हैं, कुछ लोग किसी और चीज में मास्टर हैं, जो कंबाइंड लोग मिलते हैं ना तो अलग होता है। अभी मैं मान लो लुधियाना नहीं गया, मुझे लुधियाना का मैन्युफैक्चरर्स का होलसेलर का नहीं पता है, लोग को उधर का चाहिए, अब वो मुझे कहाँ से पता लगेगा, मुझे वहां पे जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं, जो लुधियाना से व्यापार कर रहे हैं उधर का पता लगेगा, दिल्ली के व्यापारी में, दिल्ली के व्यापारी मुझे नहीं पता है, तो मुझे दिल्ली के लोगों का कहाँ से पता लगेगा, जो मेरे ग्रुप मेंबर मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस तरीके के चैन बना रखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप 50,000, 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख का बिजनेस लगाने वाले हैं ना, और डायरेक्ट लगाने वाले हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप मेंबरशिप लेको, आपको गाइडेंस मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप उसकी वजह से जो मेंबरशिप का चार्जेस है वो बर्बाद हो गया, आप समझ लो कि आपके साथ फ्रॉड कर दिया मैंने, आप कितने बर्बाद हुए, एक मेंबरशिप का चार्ज बर्बाद हुआ, जो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है तो, बाकी डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आप वो चीज ले लोगे ना, उसके बाद आपको वो चीज रिलाइज हो गया कि यार मैं किस एकदम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आया, जहां से ये चीज मुझे रियलिटी समझ में आ रहा, लोग का गाइडेंस भी मिल रहा है, प्लस दूसरा क्या है कि आपके ही एरिया के लोग उसके अंदर मिल जाएंगे, आपके स्टेट के भी लोग उसमें मेरे ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, तो वहां से भी एक दूसरे, मैं बोल रहा हूँ एक दो बंदा अगर साथ में अगर मिल जाए आपको, 2-4 बंदे अगर आपके स्टेट के बंदे अगर मिल जाते हैं, तो आपको इतने कितना हेल्पफुल होगा, आप एक हवा में पूरे समुद्र के अंदर अकेले घूम रहे हो एक तरीके से, आप यूट्यूब वीडियो अपने फोन पे देख रहे हो, घर बैठे देख रहे हो, आपने माइंड सेट बना लिया, आपको पता ही नहीं इवेंट सीजन क्या है, इस तरीके की चीजें हो रही है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये करिए, इस तरीके के फ्रॉड से बचिए, और आप बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल लालच में ना आए, और स्पेशली इस तरीके की चीजों को ऑनलाइन तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप करोगे तो मैं बोला 100% कुछ नहीं होगा, और इस चीज में मैं बताऊं 1-2% ही लोग हैं जो अपना रिफंड ले पाते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि दूसरी सिटी में अप्रोच करना, दूसरी सिटी में जाके ये सब चीज करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, अगर होता है तो आपके पास कितना टाइम है कि वहां से चीजें केस करें, और आपको खुद को पता है कि अगर आपको 10-20-50 हज़ार रुपये अगर आपका लॉस हो गया, अगर आपकी कैपेसिटी की बता, आपका टेम्पर के ऊपर, आप टेम्पर में कितने दिन में, मतलब कितने पैसे से आपको गुस्सा बढ़ता है, जैसे कि अगर आपका पूरे घर का ही सेविंग्स अगर 2 लाख रुपये, अगर आपके साथ 50,000 का 1 लाख का फ्रॉड हो जाता है, आपका टेम्पर हाई हो जाएगा, और आपके पता है कि पैसा तो है नहीं, तो टाइम बर्बाद होगा तो चलेगा, तो आप पीछे लड़ लेंगे उसके, लेकिन फिर भी कितना लड़ेंगे। अब जिन लोगों के पास भाई 10 लाख 20 करोड़ का काम करना है, उनको अगर उनके 50,000 का हो गया ना, तो वो साइड में छोड़ के चले जाएंगे, तो मैं इससे बेस्ट रिकमेंडेशन का मेंबरशिप लो, जिससे आपको एक्चुअल समझ में आए, क्योंकि देखो पैसा तो मेरे को कमाना है, मुझे इस तरीके से पैसा कमाना है, अभी मैं वीडियो क्यों नहीं बनाता, क्यों, मुझे पता है कि वहां से आपका काम चलने वाला नहीं है, यूट्यूब पे जो मैन्युफैक्चरर्स जो बताते हैं जो होते हैं नहीं है वो, मैं आपको क्या बताऊँ उसके चीज का, वहां से आपका काम चलने वाला नहीं है, अगर आपको सही में व्यापार करना है, मैं रियल मैन्युफैक्चरर से आपको बाय करना पड़ेगा, सही जगह से बाय करना पड़ेगा, तभी आपका धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, ये मेरे एक्सपीरियंस में आपको सही शेयर चीज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इससे व्यापार में हैं, जुड़े हैं, तो किसी मेंटर का, किसी का आपको साथ लेना चाहिए, इवन मैं हूँ या कोई और हो, बंदा सही होना चाहिए, इतना देख लो, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पैसा का अर्निंग का सोर्स मेरा यही है मेंबरशिप, मैं आपको नॉलेज दूंगा, मैं लोगों को जो गाइडेंस दे रहा हूँ उसका दूंगा, उसका मैं चार्ज करता हूँ, और डेफिनेटली हक से चार्ज करता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैंने वो चीज़ इतना मैंने टाइम दिया, इतना चीज़ें सीखी हैं, इतना मैंने प्लेट, आप दुनिया में एक दुनिया का ना तो मैं पता नहीं, लेकिन इंडिया के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ ना जो इस तरीके का काम कर रहा हो आज के अंदर, आप खुद सोच के बताओ ना,
पहला एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना है जो ऐसे लोगों को, सारे व्यापारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है, जो आपस में डिस्कस कर सके, चर्चा कर सके और एक दूसरे के सुन सके, एक दूसरे के गाइडेंस कर सके, एक दूसरे को सलाह दे सके, बता सके, उसके बाद लोग अपना डिसीजन ले सके। या फिर एटलीस्ट ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दिया है जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है, नहीं तो ऐसा कौन गाइड कर रहा था। ठीक है, तो पैसे कमाने के तरीके सबके अलग है, मेरा तो यही है और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। और सबसे अच्छा है कि थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, आपने वीडियो देखा अभी तक मेरा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इस तरीके और भी वीडियो बनाता रहूँगा। आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपका कुछ सलाह मशवरा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसका आंसर देखाऊँ। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप मेंबरशिप ले सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप करें। बहुत से लोग ना यूट्यूब से डायरेक्ट मेंबरशिप लेते हैं, प्लीज़ वो मत लें, डायरेक्ट व्हाट्सअप जो है उस पर क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।